नौजवान बुजुर्ग साहबान आज ठीक पर एक साथ आंदोलन वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। आज शहीदी देग तैयार हो रही है जी, जिदे विच काजू बदाम खसखस सुखा सारा पाया होंदा जी। इनू शहीदी देग कहने जदों ये देग छक लैंदा बंदा उहदे विच आटोमैटिक ही शक्तियां आउणियां शुरू हो जाणियां जी। ये साडे गुरु साहब ने बख्शी हुई देग आ। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। ये सिंघा वास्ते शहीदी देगा प्रथम शब्द चल रही है। इसको बोलते लकड़ का डंडा, इसको लकड़ की मज बोलते हैं, घर में डंडा बोलते हैं, इसको मज बोलते हैं। जो जैसेदार है पत्थर का सुनहरा इसको में होता है। इसको लाची मिर्च काली पड़ता है, बादाम काजू इसको पड़ता है। हर आदमी छकता है, किसी को कमी नहीं होती। जो गुरु घर के सेवा करते हैं सभी आदमी छकते हैं। घोड़े के उत्ते बैठ के फिर उसको किला चूटते हैं, दौड़ा लगाते हैं घोड़े के। एक घोड़े में दो घोड़े से एक आदमी चलता है। ये जो निहंग होते हैं ना, ये दसवें पातशाह की फौज है। ये किसी को डरते नहीं, डरते नहीं। मोदी सोदी ये चौक के जाएंगे करे। इन्होंने बड़े शुरू तो युद्ध होंगे आए आडा। एक मोदी ने इतिहास बना सा, इतिहास ये साडा इतिहास ऐसा बनाता। गाड़ी आने वाली पीढ़ियां साढ़िया ये जड़िया जसेबंदियां ये इतिहास बोलिया करनगियां। आज तो कुछ 10 साल 20 साल बाद बच्चे चौथी साड़ी जड़ी पीढ़ी है ना, चौथी पीढ़ी वो सानू ये जहेदार इतिहास सुनाया करनगे। मोदी ने इस टाइम पर आह काम किया, इस टाइम पर आह काम की इन्हें करतूत बहुत माड़ी खेडी साढ़े ना, बहुत माड़ी। वेखो बच्चे ठंड के विच कितना रोटी पानी अपना आप पका के सारे खान रहे आ। इस मोदी की कन्ना दे जून नहीं सरकती, नहीं सरकती। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इनिया बड़िया बाकिया जो भी गल् है साढ़े को सब कुछ ही हूँ योजे सुनाते रहना तू बचे हो। निहंग सिंह फारसी में बोलते हैं मगरमच्छ को। सो ये जो फौज है निहंग सिंह गुरु दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह की बनाई हुई आर्मी फोर्स है जो सिख पंथ की, इनको निहंग सिंह बोलते हैं। और इनका जो हर टाइम ये पूरे तैयार रहते हैं अपनी वर्दी में, इनके पास हर तरह के शास्त्र और घोड़े पे सवार रहते हैं ये। अभी तो ये सबसे आगे जो ये फौज है निहंग सिंह फौज ये आगे रहेगी। पहले ये निपटेंगे उनके साथ, उसके बाद बाकी की बारी आएगी। सो इसीलिए ये लोग यहाँ पर शांतमय तरीके से अभी तक बैठे हुए हैं। अगर बैरिकेड के सबसे आगे लगे हुए, हाँ बिल्कुल, बैरिकेड के सामने आप देख रहे हो कितने कितने बड़े बैरिकेड है। सबसे आगे ये खड़े हैं, उस तरफ जो है भारत सरकार की पुलिस लगी हुई है। सो सामने ये खड़े हैं, अगर कोई जथेबंदी बोलती है अभी अभी आगे बढ़ना है तो सबसे पहले ये बढ़ेंगे आगे। तो ये अभी यहाँ पे कितनी मात्रा में है, कितनी संख्या? अभी तो समझिए जितनी पूरी इंडिया की निहंग जथेबंदी है ना, आधे से भी कम अभी तो आए हुए हैं यहाँ पे। लेकिन ज़रूरत तो पड़ेगी तो सब आ जाएंगे, तभी आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनका पहनावा ये ब्लू रंग का ही होता है? हाँ ये ब्लू रंग का ही है। इनका जो वर्दी जैसे फौज की होती है पुलिस की होती है अलग अलग, इनकी जो पोशाक है जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो दी है इनको, ये नीले वस्त्र में ही रहते हैं। और इनके बर्तन? इनके बर्तन जो है ये लोहे के कटोरे में खाते हैं ये लोग, दूसरा बर्तन नहीं यूज़ करते।
लोहे के बर्तन में ही खाते हैं। और जैसे किसी को बनना हो नए आदमी को, तो वो कैसे ज्वाइन करेगा? तो इनकी इनके जथेदार के पास आना पड़ेगा और अरदास होती है, उसके बाद उसको ये बाना, जो बाना बोलते हैं इसको, जो वर्दी है वो पहनाई जाती है और उसको फिर उसी दल के साथ ही रहना पड़ेगा सारी उम्र। ये देगा दो चमचे पी लिए तो आनंदपुर साहब हरिद्वार सब दर्शन करा दी है।